हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। इसमें बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, आसान और सटीक तरीका क्या होता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेंड कब चेंज हो रही है, ट्रेंड कब कंटिन्यू कर रहा है। इन सारी की सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट? तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, राइट? तो ट्रेंड इज फ्रेंड जो हम लोग बात करते हैं, तो उस पे हम लोग का होता है कि आपको जो मार्केट है ना, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा का कोई दोस्त है तो होता है ट्रेंड, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट बेसिकली दो ट्रेंड में होता है, चाहे तो होगा अप ट्रेंड में या होगा डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली होती है कि अब दो ट्रेंड के बाद तीसरा ट्रेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं नो ट्रेंड जोन, राइट? जहां पे ना तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट कर लिया होता है, उसी में वो ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि एक कैसे हम लोग पहचानेंगे कि अप ट्रेंड है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट? तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे बात को समझना पड़ेगा कि जो अप ट्रेंड होता है उसके लिए जब भी मार्केट में जो चार्ट बनेगा, मैंने बात पिछले वीडियो में बात किया कि चार्ट क्या होता है, तो जो चार्ट का जो प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो दो रूल को फॉलो करते हुए चलेगा, राइट? तो दो रूल को फॉलो करना ही जरूरी है, तभी जाके वो अप ट्रेंड बोल सकते हैं या डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। अगर दो रूल में से एक भी रूल जो है अगर वो फॉलो नहीं होता है तो हम लोग उसको ट्रेंड नहीं बोलेंगे। बात को समझ रहे हैं? तो जैसे चलिए अब हम लोग यहां पे एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक पेन ले लेता हूं, ताकि मेरे को आपको समझाने में आसानी हो। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये मार्केट आता है और एक यहाँ पे क्या करता है, एक हाई लगाता है, राइट? यहां से वो शुरू होता है, ये यहां से हम लोग एनालिसिस शुरू किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक हाई लगाया है, फिर आके लो लगाया है, राइट? ये वाला आपको लो दिख रहा होगा, राइट? ये लो दिख रहा है ना आपको, तो ये आपको लो दिख रहा है, राइट? तो ये आपका लो दिख रहा है, ये फिर आपको हाई दिख रहा है, राइट? तो ए हाई दिख रहा है, फिर आपको एक नीचे लो दिख रहा है। अब आप यहां से यहां तक एक चीज को समझिए कि सिंपल सी बात है कि अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो हाई एक दूसरे से तो ऊपर होना ही चाहिए, लो भी एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? लो भी एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए, मतलब हायर हाई और हायर लो भी होना चाहिए, मतलब लो भी एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं तो ए आपका L1 हो गया, ए L2 हो गया और एक L3 हो गया, तो दोस्तों H1 भी अगर H2 से ऊपर है, H2 है, ए H1 है, तो यहां पे आप देखेंगे तो L1, L2 और L3 भी ऊपर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली बात है कि सर, ये तो चार्ट बनने की बात पता चला ना कि ए यहाँ पे लो लगा, ठीक है, और यहां से ऊपर गया, ये यहां से लो लगा के यहां से ऊपर गया, फिर जाके हाई को ब्रेक कर रहा है, राइट? जब ये हाई को ब्रेक कर रहा होगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसने इस लो कंप्लीट किया है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप एडवांस में सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो ये आपको पहले से पता होगा कि ये जो लो जाने वाला है कहाँ तक जाएगा, और क्या ये जो L3 जो लो बना रहा है क्या L2 से ऊपर ही रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो L2 है इसको ब्रेक कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको बहुत पहले से पता होता है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं सारी की सारी जो कंटेंट है मैं आप लोग को दूंगा, राइट? सिर्फ आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर करके मोटिवेट करते रहिए। मैं सारी की सारी जो एडवांस चीजें होती है जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ए अगर इसको कंटिन्यू करना है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो किस तरीके से करना है, अब इसको ट्रेंड को चेंज करना है। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो स्किप कर जाते हैं, स्किप करे से वो सारी चीज मिस कर जाते हैं। अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो क्या करेगा, ठीक है? अब एक चीज समझिएगा कि ए यहां पे भी क्या हो सकता है कि ए हायर हाई भी लगा है, हो सकता है कि हायर हाई ना भी लगे, क्योंकि
लेकिन अगर इसने लो को ब्रेक किया, अगर इसने ये लो को ब्रेक किया और उसके बाद देखिएगा कि आएगा जाके गला मिलेगा और उसके बाद नीचे उतरेगा, राइट। ये जो गला मिलने की जो पद्धति है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, आपको मैं चार्ट पे भी वो चीज दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये रही है कि एग्जांपल अप ट्रेंड की, हम लोग इसको चार्ट पे भी देखने वाले हैं, वीडियो को पेशेंस बना के देखते रहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। अब यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में भी वही आपको एक जो लो दिख रहा है ये L1 L2 L3 L4 इस तरीका से है, राइट। इसको L4 आप नाम दे सकते हैं, L3 दे सकते हैं, L1 दे सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि एक हाई जो है, हाई भी नीचे जा रहा है, देखिए ध्यान से, हाई भी आपको नीचे की ओर जा रहा है, लो भी नीचे की ओर जा रहा है। तो इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई, राइट। कि आपका जो हाई भी है वो भी लो होते चला जाता है, लो भी लो होते चला जाता है। और आप अगर बेसिकली अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रेंड में जब मार्केट होगा तो आपको एक इस तरीका से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, जैसे आप ये दोनों पिक्चर में देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि ये जो लो है चाहे तो इसके ऊपर ही है ट्रेंड लाइन की, या इस लो को टच करके मार्केट नीचे गिर रहा है। आप देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, राइट। तो ये इस तरीका से होता है। अब यहां पे ट्रेंड चेंज कैसे होगा कि अगर इसने आया लो ऊपर गया, हाई एक लगाया, यहाँ पे एक हाई हो गया, अगर इस हाई के बाद अगर इसने लो को ब्रेक नहीं किया तो ये तो आधा कंफर्मेशन यहीं पे हो गया कि शायद अब इसके नीचे नहीं जाएगा जब तक इसके नीचे ब्रेक ना कर ले। और जब ही ये इसके ब्रेक करता है ऊपर तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया शायद जो है ये हायर हाई लगा दिया है, और अगर इस लो को ब्रेक नहीं किया तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है। और उसके बाद देखिए आया ऊपर गया, आया उसी के पास जहां से इसने एक प्रीवियस जो है हाई लगाया था उसके लो पे टच करके, और मार्केट एक अलग डायरेक्टरी में चला जाता है, यानी कि अप ट्रेंड में चला जाता है। तो यहां तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा, आपको एकदम क्लियर कट पता चल गया होगा कि अगर ट्रेंड चेंज होगा तो क्या होगा, और अगर कंटिन्यू करेगा तो कैसे करेगा। अब इसको हम लोग चलते हैं चार्ट पे सीखने और चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसे करते हैं। चार्ट पे क्या होता है बेसिकली दोस्तों, कि चार्ट पे ना क्या होता है कि हम लोग को वो कैंडल को देख के उस स्विंग को पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो स्विंग को कहां से कहां तक लेनी है, मैं अभी चलिए उसको मैं क्लियर करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि चार्ट पे हम लोग को ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, वेव को कैसे कैच करना है, राइट। हम लोग सिर्फ ट्रेंड के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीका से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहला कि आप जब आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो सबसे पहला कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस सीखनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करनी है, पहली जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरी जो मैं बात करूंगा कि आपको हमेशा और हमेशा कभी भी आप एनालिसिस सीखिए, आपको हमेशा पास्ट के चार्ट को देखनी है, मतलब पास्ट के चार्ट को देखनी है, आगे क्या हुआ है उसको देखनी ही नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में आएंगे ना तो आपको लाइव आगे की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है उस पर आपको ट्रेड करना होता है, आगे की चार्ट आपको दिखाई नहीं जाते, वहां पे आगे की चार्ट बन रहा होता है, राइट। तो आपको पास्ट से जाके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, क्या पास्ट को जाके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो हम लोग जब भी एनालिसिस करेंगे तो पास्ट की डेटा को हम लोग एनालिसिस में लाएंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। बात को समझ रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पे देखिएगा कि अब हम लोग कैसे यहां पे एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं कहां पे हूं, मेरा अभी मान लीजिए कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो आपको दो चीज दिखेगा कि एक यहां की हाई है, ए यहां की लो था जिसका लो को हमको ब्रेक होते हुए दिख रहा है यहां पे, राइट। अब यहां पे हमको दिख रहा है कि लोअर लो तो लगा रहा है, तो हाई यहां पे है, बात को समझिएगा। तो हाई यहां पे है तो मैं क्या करता हूं कि मैं हाई को मार कर लेता हूं और लो को मार कर लेता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे मैं एक जो ऊपर वाला जो लाइन लूंगा, हाई लूंगा, वो रेड कलर का ले लेता हूं और इसको मैं मार कर लेता हूं, ठीक है। उसी तरीका से एक लो को लेंगे और लो वाले को हम लोग सिर्फ कलर को बदलेंगे और इसको ब्लू करेंगे। अब इससे क्या होगा, हम लोग को देखिएगा एनालिसिस करना कितना आसान हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है हमको एक हाई दिख रहा है, एक लो दिख रहा है, जो कि लोअर लो लगते दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको नीचे जाना है तो इस लो को ब्रेक करना है, ना कि ऊपर हाई जो हम लोग मार किए उसको, बात को समझ रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पे देखिएगा, ये देखिए ऊपर गया, देखिए ध्यान से ऊपर गया फिर से नीचे गया, तो हम लोग फिर से नीचे करेंगे, राइट।
अब ये हाई एक यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा ही हाई बना है, लेकिन एक यहां से आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया है, मतलब अब इसी के ऊपर इसको नहीं जाना होगा अगर इसको नीचे जाना है तो। चलिए रख दिए, चलिए चलिए हम लोग को फिर एक नया लो मिल गया, देखिएगा ध्यान से हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया है, मतलब देखिएगा ये जो मार्केट है ये इस तरीका से चल रहा है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो आप देखिए कितना सडनली नीचे आ रहा है, छोटा सा ऊपर जा रहा है, सडनली नीचे आ रहा है, छोटा सा ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेस करना, राइट। तो ये जो है हम लोग आगे सारी चीजों को समझने वाले हैं कि रिट्रेसमेंट भी करेगा तो कहां तक करेगा पहले से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ आप चैनल पे बने रहिए, अब देखिए ध्यान से फिर से लो ब्रेक किया, फिर से हमको एक लो मिल गया, हम लोग फिर इसको पकड़ लिए। हम लोग दोस्तों कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो ये होगा, फिर से एक लो मिला, हम लोग लो को पकड़ेंगे, ठीक है। और आप देखते जाइएगा कि आपको कितना बेहतर से, ये आपको एक हाई मिल गया है, देखिएगा हाई मिल गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत बारीकियां मैं यहां पे बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप देखेंगे तो इस लो का यहां पे लो ब्रेक हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से कि ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगर नीचे आता इसका लो ब्रेक नहीं करता है और अगर इसका ही ब्रेक करता है इसका, तो शायद ये जो है एक अप ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि मतलब ये ऊपर गया फिर से नीचे आ रहा है, मतलब ये रिट्रेसमेंट किया है तो एक लो बनेगा, और देखिए फिर से इसने हाई को जो है ये दोस्तों क्या किया, हाई को ब्रेक किया, मतलब यहां से ही पता चल गया हम लोग को कि भैया ये ट्रेंड जो है, ये जो यहां से लेके यहां तक जो डाउन ट्रेंड लगा था वो अब कंप्लीट होने को है, शायद मार्केट अब अलग डायरेक्टरी में जा सकता है। बात को समझ रहे हैं, कितना सिंपल कितना इजी वे में आप इसको कैच कर लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भैया लो हाई को पकड़ते जाइए, लो हाई को कैच करते जाइए, आपको ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है क्या कर रहा है आपको सब कुछ पता चलते चला जाएगा, राइट। मतलब उसको हाई को ही नहीं करना, तो हम लोग एक भाई हाई यहाँ पे किया, दूसरा हाई हम लोग को यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे ये कर लिए कि भैया इसी को ब्रेक करके चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीका से देखिएगा, अब एक चीज देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, देखिएगा कि ए ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आया, अब देखिएगा फिर से यहां पे भी दिखा रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से ए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब ए यहीं पे इसका एक हाई हो गया ए वाला, अगर यहां से इसके ऊपर निकला तो फिर से ऊपर निकलेगा, राइट। तो ए आपको पता चल जाता है कि आपको क्या है, राइट। तो ए इस तरीका से आपको एनालिसिस करनी है कि भैया इसका लो को सिर्फ ये ब्रेक कर जाने से, यहाँ पे जो लो बना था इसका ब्रेक कर जाने से मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं चला जाएगा, उसको दोनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद मार्केट जो है कि अपना अलग डायरेक्टरी में चला जाता है। और जो मैं बात कर रहा था गला मिलने की जो प्रचलन है मार्केट का, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे था ऊपर जाने के बाद आके यहीं से गला मिल के दोस्तों जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीका से आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। ये हो गया एक आपका क्या, ये हो गया आपका एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। आपको अगर इसी तरीका से करनी है तो आप कहीं पे भी ले लीजिए। अब एक चीज और मैं बता दूं कि कहीं कहीं जो बिगिनर होंगे कहीं कहीं आपको वो चीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्किप कीजिए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो ये सब चीजें तो आपको क्लियर कट दिखना ही चाहिए, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाइएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत पेशेंस के साथ देख रहे हैं और हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं। चलिए अभी का ही एक एग्जाम्पल है, चलिए मैं अभी का जो भागा है मार्केट में उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझने के लिए। देखिए ध्यान से, अगर जिसको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट किस तरीका से चल रहा है, मैं इस पर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपको सीधा सीधा ट्रेंड दिखा रहा है कि भैया हो क्या रहा है, बात को समझ रहे, मतलब ये लो के नीचे नहीं गया, ये लो के नीचे नहीं गया, ये लो के नीचे नहीं गया, मतलब लो को ब्रेक लो किया ही नहीं और हाई सब ब्रेक करते गया। देखिए ध्यान से, अब जहां भी हाई मार्क कर लीजिए सभी के सभी हाई को ब्रेक करते चला गया है। तो दोस्तों इस वे में आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अगर आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको जो है रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं और आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूं टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी बाय नरेंद्र सर, आप स्टॉक एडवाइस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप उसको जाके सारी सारी चीजों को देखिए,
और मैं एक वीडियो बनाया था कि विक्स कभी झूठ नहीं बोलता है, जैसे कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो कैंडल में होता है ना विक्स कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वहां पे मैं उसका जो है लिंक जो मैं वो आई बटन पे दे रहा हूँ, तो उसको आप एक बार जरूर कीजिएगा, वहां से आपको दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, गेम चेंजिंग रहने वाला है, मैं आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव होता है वीडियो के रिगार्डिंग या मेरा यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग या आपको कोई जो ऑनलाइन कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों ऊपर जो नंबर दिया है वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अंत में मैं आपको दो वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ जो इंड स्क्रीन पे आ रहा है, आप ये दो वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, अगर अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं तो दो वीडियो मैं बता रहा हूँ, दो वीडियो को बारी बारी से देख लीजिएगा दोस्तों, गेम चेंजर रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।